हेलो, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। अकाउंटिंग रेशियो का आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर इन पांच रेशियो के बारे में हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कोई इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हो उसकी पुरानी वीडियो सोलवेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, तो उन दोनों का लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है। एक्टिविटी रेशियो जितनी भी है उन सबका भी है, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखना जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम एक एक करके बात करेंगे सबके ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो की, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये होती है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट? कभी भी आपको रेशियो निकालनी होती है तो आपको हमेशा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कभी भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि जैसे कि सबसे पहले थे करंट रेशियो, तो करंट रेशियो में क्या फॉर्मूला याद करना पड़ा? नाम से ही समझ में आता है करंट रेशियो। करंट से दो चीजें समझ में आएगी, करंट एसेट होते हैं और करंट लाइबिलिटी होती है, तो वहां से रेशियो निकल गई। ऐसे यहाँ पर एक था डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट और इक्विटी की रेशियो निकल गई। यहां पर प्रॉब्लम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो यहां समझ में आ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो है। तो मेन चीज जो होती है, जिसको हमें निकालना होता है, मेन चीज होती है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। जिसका मेन चीज को हम देखना चाहते हैं वो ऊपर लिखते हैं। सपोज करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी, तो हमें मेन देखनी थी सेल कितनी हुई हमारी, तो इसलिए सेल ऊपर लिखी। यहां पर देखना चाहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखा। पर नीचे क्या लिखना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ये समझ में आ गया क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने नीचे नेट सेल्स क्यों लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है बेसिकली जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करा आपने, इधर सेल लिखते हो और इधर जितने भी खर्चे हुए हैं उन सबको माइनस करके क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। यानी कि सेलिंग प्राइस से, ठीक है, सेल प्राइस जो भी है, सेलिंग सेल प्राइस को कह दो या फिर आप कह दो सेल्स, सेल्स जितनी आपने करी है उसके अंदर आपकी प्रॉफिट भी इंक्लूड है। सेल्स कैसे करते हो आप? प्रॉफिट इंक्लूड करके कॉस्ट जितनी लगी है उसके ऊपर ही माल बेचते हो तो वो सेल हो जाती है। सेल्स में से जितने भी खर्चे सब माइनस कर दिए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। या फिर मैं ये कह दूं, खर्चे को क्या बोलते हैं? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। खर्चे को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट में सब कुछ आ जाता है। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना फिर? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ये बना, सेल्स में से अगर आप, सेल्स में से अगर आप क्या माइनस कर दो, कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इतना सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो जैसे कि आपने देखा ग्रॉस प्रॉफिट यहां से निकलता है, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट किस में इंक्लूड था? सेल्स में इंक्लूड था। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट सारा का सारा डिपेंड है सेल्स के ऊपर। जितनी सेल्स होगी उतना ही ज्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, इसका मतलब सेल ही नहीं करूंगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो मुझे प्रॉफिट का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ करूंगा सिर्फ मैं, वो सिर्फ सेल्स के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स के साथ होगा कंपैरिजन, कि सेल्स में से कितना आपने प्रॉफिट कमाया। सेल में तो प्रॉफिट कमाते हो आप, तो आप ये देखना चाह रहे हैं हम इसमें, इस रेशियो से, कि आपने सेल में से कितना परसेंटेज आपने प्रॉफिट कमाया। जितना परसेंटेज आपने प्रॉफिट कमाया इसका मतलब आप उतना ही फायदे में चल रहे हो, क्योंकि बिजनेस देखा जाता है आपके प्रॉफिट से। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे उतना ही ज्यादा फायदे में होगे। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसी का काम करती है कि आपने कितना परसेंटेज सेल्स से प्रॉफिट कमाया। नेट सेल्स यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? नेट सेल्स में क्या आ जाता है? नेट सेल्स में आपकी सेल्स माइनस जो भी आपके रिटर्न्स है वो माइनस करने के बाद आपकी क्या आ जाती है? नेट सेल आ जाती है, क्योंकि रिटर्न का तो आपने प्रॉफिट कमाया नहीं होगा ना, तो रिटर्न माइनस करने पड़ेंगे। सो बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का कमाया, लेकिन सेल हमेशा आप ज्यादा कर रहे होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है, सेल हमेशा ज्यादा होती है। सेल सपोज करते हैं 5 लाख की हुई थी, 5 लाख की सेल हुई होगी तब जाके आपने कोई 1 लाख का प्रॉफिट कमाया होगा। ये भी वैसे बहुत ज्यादा कमाया आपने। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं परसेंटेज में निकाल सकूं, क्योंकि बिना परसेंटेज के निकाल के ना हमें ढंग से समझ नहीं आएगा। बिना परसेंटेज पता क्या आ रही है? पॉइंट पॉइंट 20 आएगा कुछ,
तो ये 0.20 ढंग से समझ नहीं आएगा, इससे बढ़िया है कि इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि बेसिकली हम प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में देखते हैं कि 20% में ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा हूँ सेल्स का, ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है जो दिखाती है। तो आप समझ सकते हो कि जितना ज्यादा मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा मैं फायदे में चल रहा हूँ, जितना कम उतना मैं नुकसान में चल रहा हूँ। कोई इसकी आइडियल रेशियो नहीं है, यही आपके निकालनी आती है। तो यही होता है ग्रॉस प्रॉफिट। कभी कभार क्या होगा, ये गिवन ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट को मैसेज याद कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं वो सब क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो मैं बात कर रहा था कॉस्ट की, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ऐसे कई सारे खर्चे इसके अंदर कभी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कभी आता है ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिख रहे हो आप, नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट आती है, मेटीरियल की कॉस्ट, परचेज की कॉस्ट, फ्राइट चार्जेस वगैरह वगैरह जो मेरे को पता ही है, तो वो ही कॉस्ट आएगी हमेशा। आई होप आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अच्छे समझ में आ गया हो। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख भी लेता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट दूसरा कैसे निकाल सकते हैं हम, दूसरा तरीका क्या है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता था, बताओ क्या आता था ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, देखो सेल में से क्या माइनस करना है आपने, कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले क्या आता था, ओपनिंग स्टॉक। वहां पर हमेशा याद करो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर आपके पास आता था, बताओ क्या आता था, ओपनिंग स्टॉक, फिर आपके सामने आता था परचेजेस, ठीक है, परचेजेस, और फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे कि फ्राइट का चार्जेस, कैरेज, फलाना ढिकलाना, ठीक है, ये सब आता था, कॉस्ट आ जाती थी यहाँ से। फिर आप याद करो क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी तो माइनस करते थे हम, करते नहीं, करते थे, बिल्कुल करते थे। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली आपका सेल में इंक्लूड नहीं करा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, सेल में इंक्लूड थोड़ी करें क्लोजिंग स्टॉक को, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे क्योंकि वो क्रेडिट से डाला था। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके एक्चुअल में कितनी कॉस्ट बची है वो तब निकल जाएगी। तो ये तरीका होता है कॉस्ट निकालने का। और कभी कभार क्या होगा कि आपके सामने ये कॉस्ट ऑफ सेल कह दो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कह सकते हैं, वो कभी कभार गिवन ही नहीं होगा, तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो जब आपको पता है तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, इस कॉस्ट ऑफ सेल को इधर ले जाओ, इस साइड ले जाओ, है ना, और ये से ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ सेल इधर आ जाएगा और सेल इधर चल जाए, ग्रॉस प्रॉफिट इधर चल जाएगा। तो सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो तो बची क्या, कॉस्ट। मतलब अगर आप लॉजिक से देखोगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं आपको, सेल में कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कॉस्ट भी निकाल सकते हो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, कुछ भी आपके सामने गिवन नहीं होगा आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज दिमाग में है कि भाई सेल में कॉस्ट भी इंक्लूड है प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो सेल में से प्रॉफिट हटाओगे तो कॉस्ट आ जाएगी, सेल में से कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, समझ आ रही बात। सेकेंड टाइप की हमारी रेशियो है वो है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या कहती है, ऑपरेटिंग रेशियो ये कहती है कि भाई जितने भी आपके ऑपरेटिंग खर्चे हुए हैं उस वो कितना परसेंटेज है सेल का, वो कितना परसेंटेज है। आपको मेन चीज क्या है, ऑपरेटिंग, जो भी आपको रेशियो निकालनी हो, मैंने क्या क्या बताया था सबसे ऊपर लिख दो वो। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली आपको चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो भी खर्चे करने पड़ते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग खर्चे, ठीक है। और नीचे आप क्या कर दो, सेल डिवाइड कर, ये कहेगी आपको पता ही है नेट सेल्स, नहीं, नेट सेल्स नहीं आएगी, सिर्फ सेल्स आएगी। नेट सेल का इसमें करना क्या है, हमें तो बेसिकली टोटल सेल में से कितना परसेंटेज आपका एक्सपेंस हुआ था वो देखना है। अब उसमें चाहे रिटर्न आए चाहे कुछ आए वो तो हमें मतलब नहीं है, हमें कभी कभार ऐसे देखना होता है कि रिटर्न तब देखना होता है कि भाई बेसिकली जब आप जैसे कि आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तब आप देखो कि हाँ भाई रिटर्न का कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जब एक्सपेंस तो वहां पर भी लगा ना, चाहे रिटर्न आपने बाद में दिया लेकिन सेल करा तो है ना उसको, तो उसका एक्सपेंस तो लगा होगा, तो इसलिए आपको टोटल सेल लेनी पड़ेगी यहाँ पर रिटर्न के साथ। और यहाँ क्या, यहाँ पर वो बात नहीं है कैश क्रेडिट वाली, टोटल सेल, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, उसमें भी ये था, ठीक है, वो तो कैश क्रेडिट तब देखना पड़ता है जब आप ट्रेड रिसीवेबल कोई रेशियो निकाल रहे हो, यहाँ पर नहीं देखना है।
बात समझ आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव अपॉन सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में आता है कॉस्ट ऑफ सेल, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग खर्चे के साथ कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग खर्चे में देखो क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग खर्चे में काफी कुछ आता है। ऑपरेटिंग खर्चे पहले तो होते के एक ऐसे खर्चे हैं जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने मदद करते हैं, बिजनेस चलाने के लिए मदद करते हैं। ऐसे खर्चे नहीं आएंगे जो कि बिजनेस के नेचर के नहीं है, ठीक है ना। फालतू के खर्चे हैं वो नहीं आएंगे, जैसे कि आपने कोई बाहर सेल करी उससे प्रॉफिट हो रहा है, सेल करते हुए कोई ऐसा आपने कोई फिक्स एसेट बेचा उससे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कौन से होते हैं जो कि नहीं आएंगे, जैसे कि आपने कोई लॉस बाय फायर, कुछ आग लग गई, नुकसान हो गया, नुकसान वगैरह नहीं आएगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या कह सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये तो बिजनेस के नेचर का है। अदर एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिशन एक्सपेंसेस, सेलिंग करते हुए खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, डिस्काउंट दिया, बैड डेट्स आए, ये सब बेसिक खर्चे हैं, इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म लोन। जो समझने वाली बात है कि क्या क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूड क्या क्या होगा, उसको आपको समझना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या खर्चे नहीं आएंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का अगर आपका काम नहीं है तो उसको आप बेच रहे हो, उससे कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस का नुकसान नहीं माना जाएगा, वो यहां पर नहीं इंक्लूड होगा। फिक्स एसेट से अगर आप फायदा ले रहे हो उसे भी एबनॉर्मल गेन बोलते हैं, एबनॉर्मल खर्चे होते हैं ये सारे। बिजनेस काम करते हुए जो मेन आपका काम है उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हुए हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग खर्चे। जो बिजनेस रिलेटेड नहीं खर्चे हैं वो कभी नहीं आएंगे। लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, ये कोई बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं है, काम करने के लिए खर्चा नहीं है ये। काम करने रिलेटेड जो खर्चा होगा वही आएगा। चैरिटी दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, सब फालतू के खर्चे हैं, बिजनेस रिलेटेड नहीं हो रहा। फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आप लोन ले रखे हैं, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बाहर खर्चे दे रहे हो आप। बिजनेस ऑपरेटिंग खर्चा कौन सा होता है, जो बिजनेस को मदद करते हैं काम करने के लिए, ऑफिस के खर्चे हैं, सेलिंग के खर्चे हैं, ये सब क्या है, बिजनेस के खर्चे। बिजनेस अगर ये खर्चे नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा, ये खर्चे जरूरी नहीं है, ठीक है। ये खर्चे बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं। तो ऐसे खर्चे लेने हैं जो ऑपरेट करने में मदद करे, कह सकते हैं कि जो मेन काम है बिजनेस का, जो जिस काम के लिए बनी है, यानी कि कोई फर्नीचर काम कर रहा है तो फर्नीचर के काम से रिलेटेड जो भी खर्चे किए हैं, चाहे ऑफिस का किया हो, चाहे सेलिंग का किया हो, कोई भी खर्चा हो वो सब आएगा। इसी के लिए, इसी में हमने कॉस्ट ऑफ सेल भी इसलिए ला रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल भी तो आएगी ना, ये भी तो बिजनेस का खर्चा ही है, बस ये ऑपरेटिंग खर्चे नहीं आएंगे, इसको कॉस्ट ऑफ सेल को अलग लिख दिया हमने, ठीक है। ऑपरेटिंग खर्चे में खर्चे क्या होते हैं ये वाले एक्सपेंसेस में हमने अलग लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल को अलग करके दिखा दिया है। वो भी बिजनेस का खर्चा ही, पर वो कॉस्ट ऑफ सेल अलग दिखा रहे हैं कि सेल करते हुए कितनी कॉस्ट लगी, वो अलग कैलकुलेट होता है। ऑपरेटिंग खर्चे अलग आते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग का खर्चा हो गया, और बाकी खर्चे अलग आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है, ट्रेडिंग अलग, इसी तरीके से यहाँ भी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्लूड होगी, है तो वो भी खर्चा ना, सेल करते हुए जो भी खर्चा किया है वो डायरेक्ट है, बस ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए अलग लिखा है, ठीक है। ये सब आएगा, और आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये रेशियो में क्या होगा, देखो इन टू 100 तो यहाँ भी होगा, ये रेशियो में क्या ध्यान रखनी है, ये रेशियो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप खर्चे ऊपर लिखे हुए, आपने प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो तो बढ़िया बात है, लेकिन खर्चों का परसेंटेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि सेल्स में से कितने खर्चे हुए। यहाँ पर सेल भी, सॉरी, नेट सेल आएगी, जो को बताना भूल गया था, हर जगह नेट सेल्स ही आती है। सेल्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई सेल्स सारी ले रहे हो उसमें से आप रिटर्न माइनस नहीं कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना। सेल में से रिटर्न माइनस होती होती है, वो लिखा नहीं होगा कभी फॉर्मूले में, लेकिन आपको नेट सेल्स ही लेनी है, रिटर्न माइनस करनी ही करनी पड़ती है भाई, रिटर्न थोड़ी लेगी बीच में, नेट सेल्स ही आएगी, ठीक है। तो ये है ऑपरेटिंग रेशियो। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ऑपरेटिंग रेशियो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, हम कितना अच्छे से काम कर पा रहे हैं, क्या हम ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। जितना कम खर्चा होगा उतना ही ज्यादा हमारा फायदा होगा। तो इसीलिए हमने जो सेल्स से लिया है कि सेल्स में से ऐसा कितना परसेंटेज है जो हम ऑपरेटिंग के लिए खर्चे कर रहे हैं, अगर ये अच्छा है, रेशियो अच्छी है, कम है, इसका मतलब हम बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है, सॉरी, वर्किंग जो हमारी है अच्छे से हो पा रही है, तो इससे हमारा प्रॉफिट भी अच्छे से हो पाएगा। इसलिए ये डायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझ रहे थे ना,
ऑपरेटिंग खर्चे जितने कम हो गए उतना ही ज्यादा इसका मतलब प्रॉफिट कमा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो इसीलिए ये रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी से कैसे रिलेटेड है कि खर्चों कम जितने हो गए, एफिशिएंसी जितनी हमारी होगी उतना ही ज्यादा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं इसका मतलब। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल एज इट इज रेशियो है, जैसे कि हमने अभी देखा ऑपरेटिंग रेशियो से। ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे आए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके, है ना, सेल्स में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा, इसमें कोई पूछने वाली बात है? जैसे कि अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट माइनस करता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, लेकिन ऑपरेटिंग खर्चे हैं सेल्स के होते हैं वो भाई, सेल्स में से अगर आपने निकाला था ना, तो ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है नेट सेल का, तो नीचे नेट सेल्स ही आएगी यहां पर भी। और मैंने जैसे आपको बताया कि जहां पर ऑपरेटिंग वर्ड आ गया तो आपको पता है कि क्या क्या खर्चे माइनस करने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी अभी निकाल चुके हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर मैं पूछूं आपसे कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? अभी मैंने किसी को बताया कि आप सेल्स में से आप क्या माइनस कर दो, सारे के सारे ऑपरेटिंग खर्चे। लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभार गिवन नहीं होगा आपके सामने, तो इसका एक और तरीका भी है। आप ग्रॉस प्रॉफिट जब आएगा आपका, क्योंकि सेल्स में से जब आप कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक कैसे पहुंचे जाए, उसके लिए क्या करना होगा आपको? अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चे को माइनस करना होगा। वो आपने माइनस नहीं करे थे, आपने सिर्फ कॉस्ट माइनस करी थी सेल्स में से, तब जगह ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना। आपने क्या करा था? यही तो करा था। देखो हम वहीं पे जा रहे हैं सीधा। आप अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या कर रहे हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल हमने माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो हम वही वही चीज बात कर रहे हैं। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल तो माइनस करना ही करना है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ सेल हम अलग ले रहे हैं, ऑपरेटिंग खर्चे अलग ले रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ सेल पहले मैंने माइनस करा, अब ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करें। ऑपरेटिंग खर्चे जैसे मैंने माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग खर्चे मैंने माइनस ऊपर अब नहीं करे थे, तो जैसे ही मैंने ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे इसका मतलब मुझे जो प्रॉफिट आएगा वो कौन सा आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। लेकिन कभी कभार कुछ और इनकम भी होती है, ऑपरेटिंग इनकम भी तो आ सकती है आपके सामने। ऑपरेटिंग खर्चे तो माइनस कर दिए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा होगा, आपने सारे इधर खर्चे होते हैं, इनकम भी तो होती है भाई साहब, इनकम क्यों नहीं लिया आपने? तो ऑपरेटिंग इनकम भी आ सकती है, ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस कर दो तो आपका आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल में से पहले कॉस्ट माइनस करी, क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसको चलो छोड़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बात ही नहीं करते। सेल में से कॉस्ट माइनस करी, फिर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। लेकिन ऑपरेटिंग इनकम भी आ सकती है, वो भी जुड़ेगी ना, तब जाके पूरा बनेगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आ सकता है? ऑपरेटिंग इनकम में ना ज्यादा चीजें नहीं आती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि फालतू के इनकम से नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपने फिक्स एसेट बेचा उसका प्रॉफिट हुआ, कभी नहीं आएगा। इसमें सिर्फ दो ही आता है, या तो आपको कोई कमीशन मिल सकती है, या तो कोई कमीशन मिलेगी सेल करते हुए, या फिर कोई आपने कमीशन कहीं से ली है, या फिर आपको कोई डिस्काउंट मिला है, आपको कोई डिस्काउंट मिला, आपने कुछ खरीद रहे थे आपको कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो आया। और खरीद भी क्या रहे थे? एसेट, एसेट वगैरह नहीं, जो बिजनेस से रिलेटेड काम था, गुड्स वगैरह खरीद रहे थे, तब आपका आएगा। जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें होगी सिर्फ ऑपरेटिंग में वही चीज आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में भी। तो बिजनेस रिलेटेड जो भी इनकम है वो ज्यादातर यही होती है, ऑपरेटिंग इनकम में यही आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, बस खत्म बात। तो ये रेशियो क्या दिखाती है कि मेरा एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ये एक्चुअल में प्रॉफिट है कि मेरा बिजनेस में कितना जनरेट हो रहा है प्रॉफिट एक्चुअल में। क्योंकि तो अगर मैं खाली ग्रॉस प्रॉफिट देखूंगा वो इतना सही नहीं बताता, एक्चुअल में जो मुझे प्रॉफिट देखना होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट तो एक पूरा सेल करते हुए मेरा कितना प्रॉफिट परसेंटेज है वो दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ सारे खर्चे माइनस करने के बाद बिजनेस रिलेटेड, तो वो ये रेशियो दिखाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक और तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है। कभी कभार क्या होगा आपको सीधा नेट प्रॉफिट गिवन होगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? सारे खर्चे माइनस करने के बाद, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो। नॉन ऑपरेटिंग की मतलब मैंने जैसे आपको बताया था पीछे, ये लॉस ऑन फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इनकम टैक्स, चैरिटी फगाना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये सब खर्चे माइनस करने के बाद भी क्या आता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो नेट प्रॉफिट अगर आपके सामने गिवन है तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक कैसे पहुंचोगे? बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट अगर आपके सामने गिवन है तो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला आपने?
ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करने की बात, चलो वो तो ठीक है बात, वो तो हमने करना भी था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन आपने नॉन ऑपरेटिंग में खर्चे माइनस कर दिए होंगे नेट प्रॉफिट में, सही कह रहे बोला तेरे, तो वो प्लस कर दो, वो आपने माइनस कर दिया होगा ना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, वही आपने माइनस नहीं करने थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर आप नेट प्रॉफिट में वापस वो प्लस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग वाले खर्चे, तो आपका कहां पहुंच जाओगे, वापस आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस करते ही थे, वो तो हो रखे है, उसको छेड़ना ही नहीं नेट प्रॉफिट में, आपने ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करते ही थे, कॉस्ट माइनस करते ही थे, आपने बस साथ में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दिए होंगे, वो नहीं करने थे, तो उसको प्लस कर दो, खत्म बात। और साथ में एक और चीज है, क्या आप वो एक चीज भूल गए, वो है ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही प्लस कर चुके होंगे नेट प्रॉफिट के अंदर, आपने ऑपरेटिंग इनकम तो प्लस करी होगी, वो तो करनी थी, लेकिन आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि प्रॉफिट कमा लिया आपने फिक्स एसेट बेच के, वो नहीं करना था प्लस, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस कराओगे ना ऑपरेटिंग इनकम तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो माइनस करना पड़ेगा, तो इस तरह से जब माइनस करूंगा तो मेरे पे आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ये चीज, और जैसे कि आपको पता है कि टैक्स वगैरह भी आपको देख लेना है, टैक्स भी अगर आप माइनस कर चुके हो नेट प्रॉफिट के अंदर, तो भाई टैक्स क्या करना है, वापस प्लस कर देना है, ये आप समझ पा रहे होगे मेरी बात, ये अगर बिफोर टैक्स है तब तो ये तरीका काम आएगा, बिफोर टैक्स में कि आपने नॉन ऑपरेटिंग खर्चे प्लस करे माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन अगर टैक्स में माइनस कर रखा है आपने तो टैक्स में माइनस करना पड़ेगा, समझ आ रही बात, तो ये चीजें समझनी होती है आपको, तो उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली रेशो की बात करते हैं, अब बेसिकली इस रेशो का सिग्निफिकेंस आप समझ गए होंगे, ऑपरेटिंग खर्चे क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने बिजनेस में कितना एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया है, बिजनेस में एक्चुअल में आपकी कितना प्रॉफिट कमाया है बिजनेस नेचर का, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्शाता है, नेट प्रॉफिट आपका ओवरऑल प्रॉफिट दिखाता है, उसमें बिजनेस रिलेटेड नहीं आता, बिजनेस का अगर आपको नेचर का आपको देखना है कि मैंने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही पता चलता है। इसी के साथ आपकी अगली रेशियो जुड़ी हुई है जो कि बताने की जरूरत भी नहीं आपको, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब नेट प्रॉफिट आपका कितना है नेट सेल का, है ना, यहाँ पर प्रॉफिट की छिटाई हो जा रही है, पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट को आपने और कम किया ऑपरेटिंग पे गए, फिर ऑपरेटिंग के बाद कहाँ पहुंच गए नेट पे पहुंच गए, कि एक्चुअल में ओवरऑल आपका प्रॉफिट देखा जाए, मतलब नहीं है कि बिजनेस रिलेटेड खर्चे थे या बिजनेस रिलेटेड इनकम थी, उससे मतलब नहीं, हमें बताओ सीधा प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर आपको नेट देखना है कि भाई आप उसके लिए नेट प्रॉफिट निकालो, और आप समझ गए होगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर कर रहे थे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस प्लस कर रहे थे वापिस के अंदर, वो प्लस नहीं करने, सारे खर्चे माइनस करने हैं, इस सबसे आसान रेशियो यही है, सारे खर्चे माइनस करने हैं, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, कुछ नहीं करना आपने नेट प्रॉफिट में, सब कुछ माइनस कर देना है, कोई भी खर्चा हो, सिंपल हो गया ना, कोई कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, अब कोई दिक्कत है इस रेशियो में निकालने के लिए है ही नहीं, तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है वो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो काम आती है, और बिजनेस रिलेटेड एफिशिएंसी कितनी है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काम आती है, ओवरऑल देखना आपने एफिशिएंसी तो भाई नेट प्रॉफिट रेशियो देखो, लेकिन अगर आपने देखना है कि भाई बिजनेस में आप कितने एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड आपने बिजनेस में जो जिसका आप काम कर रहे हो, फर्नीचर काम कर रहे हो, किसी का काम कर रहे हो, उसमें कितने एफिशिएंट हो, उससे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, वहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना होगा। अगली रेशियो है हमारी आरओआई, जिसे बोलते हैं, ये बेसिकली रेशियो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कहता है, ये एक्चुअल में प्रॉफिट की और छिटाई कर देता है कि आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल कितनी है, एक्चुअल में प्रॉफिट आप जितना आपने पैसा लगाया है उससे आप कितना पैसा बना रहे हो, इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। सपोज करते हैं आप अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया और 5 साल के बाद आपने कितना पैसा जनरेट किया, दैट इज द क्वेश्चन, आपने 1 लाख लगा के अगर आपने 10 हजार का रिटर्न लाए हो तो इसका मतलब आपका है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 10%, या आपने 1 लाख का लगा के 10% कमाते हो, तो ये एक्चुअल में आप मेजर करती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो सक्सेसफुल होने वाला भी है कि नहीं होने वाला, वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट से जज करा जाता है कि आपके एक्चुअल में कितनी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपने जो पैसा लगा रखा है वो बहुत देखना जरूरी है, ये नहीं दिखाता नेट प्रॉफिट, तो सिर्फ दिखा रहा है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट, एफिशिएंसी कितनी आपकी बिजनेस रिलेटेड, लेकिन एक्चुअल में
आप कितने पानी में हो वो कैसे पता चलेगा? इन्वेस्टमेंट से पता चलेगा भाई, इन्वेस्टमेंट कितनी करी हुई आपने। हो सकता है कि आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, नेट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करी हुई है बहुत ज्यादा, तो क्या फायदा? तो इसे बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बोला जाता है, इसे यील्ड यील्ड ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं, कुछ भी बोल लो इसका मतलब यही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि नीचे लेनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, कितनी कैपिटल आपने लगाई थी और उसका कितना रिटर्न आ रहा है, ये एक्चुअल में आपका प्रॉफिट मेजर करता है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको एक्चुअल में मेजर करनी है ना, जो आपका रेशियो निकाल रहे थे आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो एक्चुअल में यहाँ से पता चलेगी। हालांकि आप बिजनेस में रेटिंग देखना चाहते हो, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर तो नेट प्रॉफिट बढ़िया है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना, आप एक्चुअल में आप फायदे में चल रहे हो या नुकसान में चल रहे हो, वो आपका ये रेशियो देखेगी। अब सवाल होता है कि मैं प्रॉफिट कौन सा लूँ, प्रॉफिट कौन सा लूँ, बहुत सारे प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सा कंपेयर करूँ, कि आपने कैपिटल इंप्लॉयड लगाई 1 लाख सपोज करो, अब 10 हजार का रिटर्न आया, रिटर्न कौन सा, रिटर्न किस चीज का रिटर्न देख रहे हो, प्रॉफिट कौन सा, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पलाना प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट तो सारा देखा जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेटिंग हो, सारा प्रॉफिट देखा जाएगा, लेकिन प्रॉफिट ऐसा देखा जाएगा जो कि आपने अभी टैक्स नहीं दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स अगर आपने दे दिया, क्योंकि टैक्स आप बाद में देते हो, टैक्स अगर आप दे दोगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया था, तो टैक्स देने से पहले बिजनेस का प्रॉफिट कितना था वो हमें देखना पड़ेगा, बिफोर टैक्स। और हो सकता है कि आपका डिविडेंड भी दे सकते हो, क्योंकि डिविडेंड देना पड़ता है शेयर होल्डर को, वो बाद में देना पड़ता है, जब सारा प्रॉफिट का आप सब कुछ कर देते हो, सबको दे देते हो प्रॉफिट का, जब आप रिजर्व बना देते हो, टैक्स दे देते हो, जो आखिरी में जाके बचता है प्रॉफिट, उसको डिविडेंड में बांटना पड़ता है शेयर होल्डर को, तो वो भी नहीं अभी लेना, ये नहीं कि प्रॉफिट डिविडेंड के बाद वाला ले रहे, वो सही तरीका नहीं मेजर करने का, वो सही तरीका नहीं। सही तरीका क्या है, आपने जो प्रॉफिट कमाया अभी टैक्स देना बाकी है, अभी डिविडेंड देना बाकी है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट तो ये कमाया ना आपने, ये वाला प्रॉफिट लेना, यानी कि नेट प्रॉफिट ही है वो, एक तरह का समझ लो नेट प्रॉफिट ही है। नेट प्रॉफिट में डिविडेंड वगैरह वैसे तो इंक्लूड होता है, सबको दे देते हैं उसके अंदर, लेकिन वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि नेट प्रॉफिट में डिविडेंड अगर इंक्लूड है उसको माइनस कर देना है बिफोर टैक्स, और टैक्स में माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट में सब कुछ आता है वैसे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है इंटरेस्ट, यानी कि आपने कोई लोन ले रखा है उनको भी अगर इंटरेस्ट देना था, वो भी इंटरेस्ट अभी नहीं देना है, उससे पहले वाला जो प्रॉफिट है वो आपको लेना है, बाहर लोगों को पैसा देने से पहले अपने जो बिजनेस में कमाया पहले वो देखो पहले कितना कमाया। और नेट प्रॉफिट में वैसे वो ऊपर आपको बता रहा था, नेट प्रॉफिट में डिविडेंड वैसे नहीं देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड दे देते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन वैसे आपने देखा हो टैक्स देते हैं हम नेट प्रॉफिट में, हम सारा कुछ होता है टैक्स टूक्स देने के बाद निकलता है, डिविडेंड एक्चुअल में बांध देते हैं, जो नेट प्रॉफिट आता है उससे फिर आगे उसका होता है, उसका आगे और चीजें बनती है, उसका जनरल रिजर्व वगैरह बनते हैं, और भी कई काम होते हैं। तो बेसिकली प्रॉफिट आपने वो लेना है, टैक्स डिविडेंड इंटरेस्ट ये सब चीजें देने से पहले का जो एक्चुअल बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ था वो आपके मेजर करेगा कि आपने कितना कमाया, ये आपका निकाली जाती है, इनटू 100 कर दो परसेंट इको में आएगा। सपोज करो कि मैंने 1 लाख लगाया और मैंने पूरे साल में 20 हजार रुपये प्रॉफिट कमाया नेट टैक्स टूक्स देने से पहले, तो इसका मतलब मैं 20% कमाया, ये एक्चुअली मेजर करेगा, इसका मतलब आप कैपिटल 1 लाख की लगा के 20% कमाते हो, और जितने ज्यादा ये रेशियो होगी उतना ही ज्यादा इसका मतलब बेहतर पोजीशन में हो, जितना ज्यादा आप लगा रहे हो उतना कहीं ज्यादा कमा भी रहे हो, इसका मतलब बहुत प्रॉफिट में आप, तो ये मेजर करती है एक्चुअल में ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है बिजनेस की, वो यहां से पता चलता है। और कैपिटल इंप्लॉयड में आपको पता है कि कैपिटल इंप्लॉयड कैसे करते हैं, कंपनी के अंदर दो तरीके से कैपिटल आती है, एक तो होता है शेयर कैपिटल, ठीक है, कई लोग सोच लोगे खाली शेयर कैपिटल होता है, ऐसा नहीं होता, कैपिटल आप लोन लेके भी कैपिटल नहीं आती है, लोन भी तो ले सकते हो, तो नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि आपको जो लॉन्ग टर्म डेट हम बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट सारे के सारे आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी भी तो सकती है, डिबेंचर से पैसा उठा लिया, लोन से उठा लिया, वो भी तो कैपिटल ही आएगी, बस उसको लिखेंगे अलग जगह पे, शेयर कैपिटल अलग, लॉन्ग टर्म डेट अलग, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे आ सकती है, कहीं से भी पैसा उठाया है उसका कितना प्रॉफिट बना यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ सारा का सारा रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम रिविजन करें एक के बाद एक, पहला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेसिकली ये बताती है कि
आपका ग्रॉस कितना प्रॉफिट हुआ है, सेल का कितना परसेंटेज आप कमा रहे हो, कितना मार्जिन में बेच रहे हो, कितना ज्यादा, बस ये देखती है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग रेशियो देखा। ऑपरेटिंग रेशियो में बताते हैं कि बेसिकली आपकी एफिशिएंसी कितनी है ऑपरेटिंग, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, खर्चा कम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बिजनेस रिलेटेड। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा कि भाई बिजनेस रिलेटेड आप कितना कमा रहे हो, और एबनॉर्मल खर्चे को छोड़ के जो आप फालतू के और खर्चे अपने इंक्लूड कर देते हो, या फिर ऑपरेटिंग बहुत सारे अलग अलग फालतू की इनकम होते हैं उसको हमें हटा दो, बिजनेस में कितना अच्छे से कमा रहे हो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाता है। फिर नेट प्रॉफिट देखा कि एक्चुअल में बताओ ना मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है सारा का सारा साल का। फिर हमने देखा रिटर्न इन्वेस्टमेंट, चलो ये भी देख छोड़ो, आप ये बताओ कि पैसा कितना एक्चुअल में कमाया हमने, कि हमने कितना लगाया और उससे कितना कमाया। अगर मुझे वो देखना है तो मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखूंगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है आपकी मेजरमेंट में कि प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल कितनी है, एक्चुअल में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो कहाँ से पता चलेगा, कि आपने जो पैसा लगाया था उससे पैसा कमाया भी है कि नहीं कमाया। हो सकता है कि आपका प्रॉफिट यहाँ से 1 लाख का दिखा रहा हो लेकिन एक्चुअल में आपने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, तो इसलिए एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से पता चलती है। आई होप दिस सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फैला दो लोगों के साथ भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।